हेलो गाइस, तो बहुत लोगों को बहुत चीज़ों में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि हम अपना कम्युनिकेशन के साथ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। तो हम देखते हैं विशाल सर इस क्वेश्चन का कैसे आंसर देते हैं। तो विशाल सर, आपको क्या लगता है कि कॉम स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस? सो एनी आइडिया, एनी सजेशंस फॉर स्टूडेंट्स? हाँ, मैं बताता हूँ। पहले भी वो बताता हूँ दिक्कत क्या होती है। जैसे मैं अगर कोई भी आइडिया दूंगा ना, बात करो, ये करो, वो करो, तो सबसे पहले स्टूडेंट कहेंगे सर हमारे आसपास लोग ही नहीं है, है ना। हमारे पास जब हम बोलते हैं तो लोग हंसते हैं, किससे बात करें, लोग ही नहीं है सर। जिनके पास है उनके पास तो सलूशन है, जिनके पास है नहीं वो क्या करें। तो इन लोगों के लिए मतलब एक बहुत छोटा सा सिंपल सा है एक मेरे दिमाग में आइडिया, आप भी बताना आप अग्री करते हो कि नहीं। कुछ मत करो, एक न्यूज़पेपर का हम आर्टिकल लेते हैं ना, जो मैं एडिटोरियल में पढ़ाता हूँ, वो ले लिया, इंग्लिश की मैगजीन ले ली, कोई बुक ले लिया, पैसेज ले लिया, उससे आप ना तेज तेज पढ़ना शुरू कर दो न्यूज़पेपर को। किसी को भी पढ़ रहे हो, मिरर के सामने जब आप देख देख कर पढ़ना शुरू करोगे धीरे धीरे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, तो आपके सामने 7 दिनों में एटलीस्ट ये होने लग जाएगा कि आप शब्दों को कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे होंगे। कि शुरुआत में आपको डिफिकल्ट वर्ड्स को बोलने तक में दिक्कत होती है, या आप साफ नहीं बोल पाते, अच्छे से नहीं बोल पाते। पहले आपका ये इंप्रूव होगा, फिर आपके पास धीरे धीरे अगले 7-8 दिनों में आपके फेशियल एक्सप्रेशन इंप्रूव होंगे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा मैं ऐसे बोलता हूँ और इंग्लिश को बोलने में ये कॉन्फिडेंस आता है। धीरे 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 जैसे आपका 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी कि इंग्लिश में बोलते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, चीजों को इंग्लिश टू इंग्लिश आप करने लग जाएंगे। इतना तो बस बता रहा हूँ, बस 1 से 1.5 महीना करके देख लेना। यही चीज आप कंटिन्यू 3 महीने लगाकर करके देखो, लगातार आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा 100%। आप बताओ संध्या मैम, अगर आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो कि नहीं आपको ना मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली बोलने बोलना है, तो ये सबसे बहुत ही आसान है कि बिकॉज समटाइम लॉट ऑफ पीपल यूज टू से कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो ऐसा जहाँ पे इंग्लिश बोलते हो, उसकी रिक्वायरमेंट ही क्या है। आप अपने रूम में बैठे हो, न्यूज़पेपर उठाओ और जोर से पढ़ना स्टार्ट करो। धीमे धीमे नहीं, मर्मर नहीं करना है, कि मर्मरिंग नहीं करनी है आपको, तेज तेज लाउडली लाउडली पढ़ना है एंड देखना आपके अंदर खुद ही इम्प्रूवमेंट आ जाएगा 3 मंथ्स के अंदर। क्योंकि पता है धीरे धीरे बोलते हैं ना लोग, लो बोलते हैं, लेकिन असल में जब उन्हें एक्चुअल बोलना पड़ता है ना तो शायद वो तेज उस कॉन्फिडेंस के साथ बोल नहीं पाते, है ना। तो बहुत जरूरी है कि मिरर के सामने ऐसे बोला जाए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने ऐसे ही सीखा था। जब मैं छोटी थी तो मेरे को थोड़ा सा स्टैमरिंग इशू रहता था, तो क्या होता था मैंने न्यूज़पेपर लेना स्टार्ट किया और बहुत अपना रूम बंद करके इतनी जोर जोर से पढ़ती थी एंड आज के मतलब उस टाइम के बाद मुझे कोई इशू ही नहीं है। एंड ये प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट करी व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड। सो ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो एंड अपने अंदर आप चेंजेस आप खुद देखोगे और कमेंट सेक्शन में बता देना 3 मंथ्स के बाद क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही बात है, जरूरी है फीडबैक। बिकॉज आप कमेंट्स डालोगे तभी लोगों को पता चलेगा कि हाँ इट रियली वर्क्स एंड सीरियसली ये वर्क करता है। सो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी टिप्स लाते रहेंगे हम लोग। एग्जैक्टली, हम और भी क्रिस्पी क्रिस्पी शॉर्ट्स लाएंगे इंग्लिश को लेकर। ओके, बाय गाइस, बाय बाय।